ये जिस जो पैंथर्स पार्टी थी वो पैंथर्स पार्टी खत्म हो गई, अब डुप्लीकेट पैंथर्स पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। असेंबली इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद नेता जो है वो लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुटे हुए हैं और लगातार अपने मुद्दों को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट बलवंत सिंह मनगोड़िया जी हैं। मनगोड़िया जी स्वागत है सबसे पहले, और इस समय इलेक्शन का बिगुल जो है वो बजा है और आप भी जो है वो गाँव गाँव में पहुँच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और क्या कहना? वधिया चल रहा है चनैनी के अंदर, जबरदस्त तरीके कने लोगों का सहयोग, साथ, समर्थन, आशीर्वाद बहुत वधिया चला दा। और अस सारी चनैनी की जनता ये अपील करना चाहते हैं, अपने सारे उत्थे दे वोटर्स की, उत्थे दी पब्लिक की अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके का थोड़ा सहयोग, साथ, समर्थन अज असी मिला करता, आने वाले समय बलवंत सिंह मनकोटिया का भी तुम्हें हर कदम पर, हर स्टैप पर तुम्हें इसे तरीके कने सहयोग, साथ, समर्थन मिलेगा। और दमें आने वाले समय कंधे कन्ने कंधे मिलाइए, कदम कन्ने कदम मिलाइए, जियां तुम मिगी साथ दिया दे, आने वाले समय अस भी थोड़ी डिवेलपमेंट थोड़ी तरक्की थोड़े पर्सनल मसले च इसे तरीके करना साथ देंगे। और अस थोड़े कन्नै सिर्फ एक वोटर ते लीडर दा, एमएलए और वोटर दा रिश्ता नहीं, बल्कि थोड़े कन्नै वो प्यार दा, वो परिवार दा, वो एक मेंबर परिवार दा, के मेंबर होने नाते एक रिश्ता थोड़े कन्नै कायम कर गया कि तुसीं महसूस हो के बलवंत सिंह मनकोटिया सिर्फ डिवेलपमेंट के नहीं बल्कि साढ़े परिवार का एक मेंबर होने नाते नाते साढ़ा हर औखी सौखी घड़ी साढ़े कन्नै खड़ोता, ये मैं उन्हें विश्वास दवाना चाहना है। किस तरीके से मुकाबला देखते हैं आप चनैनी में? एक तरफ से आप बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं और वहीं दूसरी तरफ आपके पुराने साथी हर्षदेव सिंह जी जो है वो पैंथर पार्टी की ओर से, किस तरीके का मुकाबला जो है वो रहने वाला है? देखिए जिस जो पैंथर्स पार्टी थी वो पैंथर्स पार्टी खत्म हो गई, अब डुप्लीकेट पैंथर्स पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए कोई मुकाबले में नहीं है, वन साइड है, एक तरफा है, एक तरफा है, और आप जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना। यूथ का किस तरीके से आपको समर्थन मिला? अभी हमने देखा जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपके साथ यूथ जो है जहाँ पर भी पहुँचा था आपके कार्यालय में, किस तरीके का यूथ का रहने वाला, और जब आप जीत के असेंबली में जाती है तो यूथ के लिए क्या करने वाले हैं आप सबसे पहले? देखिए युवाओं के साथ हमारा एक बचपन से, जब हम पहला चुनाव जीते तो तब हमारे बाल भी काले होते थे और हमारे साथ चलने वालों के भी बाल काले होते थे, हमें सफ़ेद बालों का बंदा ढूंढना पड़ता कि स्टेज में लाएं और बैठाएं कि लोगों को पता लगे कि ये थोड़े सीनियर लोग भी इनके साथ हैं। तो युवाओं का हमारे साथ शुरू से इंटरेक्शन रहा है और युवाओं को इस चीज़ का भरोसा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया को कभी भी याद करेंगे, टेलीफोन के माध्यम से याद करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको बुलाएंगे तो हमें इग्नोर नहीं करेगा, हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा, इसलिए इनका भरोसा है। और मैं ये युवाओं को कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं जिनका आज अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनको हम रिसीव करने गए थे अभी उधमपुर एयरपोर्ट में, वहाँ भी ये चर्चा चली कि हमारे डेली वेजर का इशू है, हमारे VDG का इशू है, हमारे NYC का इशू है, उनसे बात की, उन्होंने कहा कौन कौन से इशूज़ हैं जो हमें, तो हमने कहा कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग गन्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, इनकी इस तरीके के इशूज़ हमने चलते चलते उनसे डिस्कस किए और हमने कहा कि हमारा खासकर चनैनी विधानसभा क्षेत्र या उधमपुर का पूरा इलाका, इसमें टूरिज़्म का बड़ा स्कोप है और इसमें किस तरीके से हम टूरिज़्म को प्रमोट कर पाएँ जिससे हम हज़ारों सैकड़ों लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। बाकी हमने ये भी कहा कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए ताकि बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको जॉब मिल सके, तो इस तरीके की चर्चाएं हुई। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे युवाओं को किस तरीके से सरकारी या प्राइवेट तौर पे किस तरीके से उनको जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके, तो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा। अभी इलेक्शन के लिए मात्र 15 दिन बचे हैं और चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन कौन से गाँव तक आप पहुँचे हैं और अभी कहाँ कहाँ जाना बाकी है? देखिए बेसिकली अगर बात करें तो लगभग हम हर विधानसभा के हर एरिया में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ इक्का दुक्का रहते हैं तो हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रात को 12 बजे पहुंचते हैं, सुबह 4 बजे पहुंचते हैं और लगभग हमने तय कर लिया सफ़र तय कर लिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, यहाँ इक्का दुक्का रहता है पहुँच रहे हैं और एक दो दिन में हम सारा कम्प्लीट करने जा रहे हैं। शुक्रिया।